जो आध्यात्मिक प्रक्रिया करता है उसका अंतिम लक्ष्य है इतना स्थिर बन जाना कि जिसे वो मैं कहता है उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। सिर्फ हलचल के कारण ही इस सब का अस्तित्व है। एक इंसान के रूप में आपका अस्तित्व सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत सारी हलचल है। ये सब हो रहा है, इसी उलझन को, इसी झमेले को आप मैं कहते हैं, है ना। अगर आप स्थिर बन जाएं, तो जिसे आप मैं कहते हैं वो सीमित मैं बस गायब हो जाएगा। So, the ultimate goal is to become still. तो अंतिम लक्ष्य है स्थिर बन जाना। और वो जानवर जो वाकई स्थिरता में माहिर है वो है सांप। जब वो स्थिर होता है वो पूरी तरह से स्थिर होता है। वो घंटों घंटों बस बैठा रह सकता है। तो योगियों को हमेशा सांप से जलन होती थी। काश मैं उसकी तरह बैठ पाता। आप इस तरह आधा घंटा बैठें, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो योगियों को हमेशा सांप से जलन होती थी क्योंकि वो घंटों तक बिल्कुल स्थिर होकर बैठ सकते हैं। और इसका दूसरा पहलू यह है कि सांप में खुद की एक समझ होती है, यानी उसमें एक तरह का बोध होता है, खासकर नाक के पास एक खास बोध होता है। अगर आप अपनी ऊर्जाओं को एक खास तरह से बना लेते हैं तो वह आपके पास खींचा चला आता है। तो ऐसा कई योगियों के साथ हुआ है कि जब वो बैठे और वो एक खास तरह से ध्यानमय हुए, जब उनका एक खास आयाम सक्रिय हुआ तो उन्होंने अपने आसपास कई सारे नाग पाए। तो सांप और आध्यात्मिकता जुड़ गए क्योंकि इस संस्कृति में लोगों ने हमेशा शिव और सांपों को एक साथ देखा। जब वो अनुभव के खास स्तर पर पहुंचे, जब उन्होंने इस ऊर्जा से आकर्षित नागों को उनका इंतजार करते देखा, तब एक बार फिर आपके मन में ये बैठ गया कि आध्यात्मिकता और सांप आपस में जुड़े हुए हैं। सांप आध्यात्मिकता के कुछ खास पहलुओं को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं।